अलैकुम जी। अच्छा भाई, तो बात ये आई थी कि बच्चे कह रहे थे कि भाई आईक्यू की कोई ऐसी हैंडआउट दे दें, कोई ऐसा कंपाइल्ड वर्जन दे दें कि बस हम वो करें और हमारा पेपर पास हो जाए नस का। तो हमने, क्योंकि सारा कोर्स कर लिया नस का, हमने पांचों चैप्टर जो नस में आते हैं हमने उनको अच्छे से देख लिया, सारी बातें कर ली। तो फिर हमें डिसाइड ये हुआ कि इन्हीं पांचों चैप्टर में से अच्छे अच्छे सवाल पास पेपर के और डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे चूज करें और वो हम कंपाइल करके बच्चों के लिए सॉल्व कर दें। तो जब हमने ये करने बैठे तो हमें समझ आया कि भाई ये तो तकरीबन सब कुछ हमने छाजाओं पे डाला हुआ है, तकरीबन हमने सब बच्चों को कराया हुआ है, तो फिर दोबारा कराने की क्या नीड है। तो फिर बाद में ये एहसास हुआ कि भाई हम तो कर देते हैं, लेकिन बच्चे क्योंकि इतने इंगेज्ड हैं, इतनी चीज़ों में लगे हुए हैं, किसी का फास का टेस्ट भी है, किसी का GIK का टेस्ट था, किसी का NET का टेस्ट था, किसी का सारे टेस्ट थे। मैंने बोला चलो यार इसको एक दफ़ा दोबारा जमा करके, दोबारा कल्मिनेट करके हम इसको बच्चों को प्रेजेंट कर देते हैं। तो भाई आपकी पेशे खिदमत एक हैंडआउट, और इंशाल्लाह अगर आपने हैंडआउट कर लिया तो नस का जो IQ का सेक्शन है वो आप इंशाल्लाह इजीली एस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैं IQ का टीचर होते हुए भी मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, देखें भाई नस जो पास होगा ना, नस में 150+ IQ से नहीं आएंगे। ऑब्वियसली IQ इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आएंगे मैथ और फिजिक्स से। तो अगर आपकी मैथ फिजिक्स अच्छी नहीं है और आप उसके बावजूद सारा टाइम IQ को लगा रहे हैं, तो भाई ये बेवकूफ़ी है। अपनी मैथ और फिजिक्स जो कि टोटल 140 मार्क्स हैं, इसमें सारे मार्क्स गेन करें, बाकी तो भाई बोनस है। इस 140 में से एम करें 130+ लाऊंगा, तो जो बाकी 60 क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री/कंप्यूटर के 30, इंग्लिश के 20, IQ के 10, वो आपका बोनस होगा। फिर वो आपको 155-160 पे लेके जाएगा। सही है जी, ये फिर आपने इंशाल्लाह इसको ये कर लिया तो बल्ले बल्ले हो जाएगा इंशाल्लाह भाई। ठीक है, चलें पहले सवाल को देखते हैं। अच्छा, पहले सवाल में क्या हो रहा है, एक नंबर है 7, 7 को मल्टीप्लाई बाय 2 करा 14, 14 में +2 करा 16 आ गया। क्या पैटर्न है भाई, हर नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है फिर +2 हो रहा है 34। तो इसी तरह 34 मल्टीप्लाई बाय 2 78, 68, 68+2 70, बी बॉल मेरा आंसर। और अगर आपको कंफर्म करना है कि आपने ठीक किया नहीं किया, तो अगर ये 70 है, 70 का डबल 140, 140+2 142, यानी कि जो आपने फॉर्मूला लगाया था बिल्कुल ठीक लगाया था। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान सवाल है। 3+4 होता है 7, 7 का स्क्वायर 49, 5+1 होता है 6, 6 का स्क्वायर 36, 8+2 होता है 10, 10 का स्क्वायर 100, ये एप्पल मेरा आंसर। अच्छा जी, यहाँ देखें, टू बसेस स्टार्ट फ्रॉम ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ मेन रोड। दो बसेस हैं, ऑपोजिट एंड्स में हैं और 150 किलोमीटर अपार्ट हैं। दो फर्स्ट बस है वो 25 किलोमीटर रन करती है और वहां से जाके वो एक राइट ले लेती है और 15 किलोमीटर तक जाती है। ये पहली बस बोल देते हैं, इस पहली बस ने 25 रन किया, यहाँ से इसने राइट ले लिया और 15 रन किया। यहाँ से राइट आने के बाद, 15 के बाद उसने यहाँ से आके लिया लेफ्ट और रन्स अनदर 25, यहाँ से फिर उसने 25 किया। 15 के बाद उसने क्या किया था, लेफ्ट लिया था, तो लेफ्ट ये रहा। अच्छा, इसमें लेफ्ट और राइट ही हम पहले बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो यहाँ से उसने अपना लेफ्ट लिया, उल्टे हाथ पे गया, 25 गई, और फिर उसने बैक टू द मेन रोड, यहाँ से उसने बैक टू द मेन रोड, ये 150 हटा देते हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा वरना, और बैक टू द मेन रोड पे वापस। इतनी देर में, इन द मीन टाइम, ड्यू टू अ माइनर ब्रेक डाउन, जो अदर बस है उसने सिर्फ 35 किलोमीटर रन कराए अलॉन्ग द मेन रोड, यहाँ से उसने 35 रन कराए। अब सवाल है, वॉट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है, ये अगर 25 है ऊपर भी 25 होगा, यानी कि पहली बस ने मेन रोड पे 50 कवर करा है, पहली बस ने मेन रोड पे 50 कवर करा है और दूसरी बस ने 35 कवर करा है, यानी कि 150 में से 50 एक बस ने, 35 दूसरी बस ने, 150 - 85, 65 किलोमीटर का वो डिस्टेंस है जो इन दोनों के बीच में रहता है, ये रहा, ये वो 65 का डिस्टेंस है। ए एप्पल मेरा आंसर। ये डायरेक्शंस का सवाल था, बहुत अच्छा सवाल होता है, बड़ा मजे का सवाल होता है। एक्स एंड वाई स्टार्ट मूविंग टू टूवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम टू प्लेसेस 200 अपार्ट।
200 का डिस्टेंस है। आफ्टर वॉकिंग 60 बी ने लेफ्ट लिया। अच्छा ये बी नहीं, ये वाई होना चाहिए था ऑब्वियसली, और जहाँ जहाँ बस सही है यही लिखा हुआ था। तो ये एक्स है, ये वाई है, वाई ने 60 किलोमीटर रन करने के बाद लेफ्ट लिया, ये 60 रन किया और यहाँ से लेफ्ट ले लिया और गोस 20, 20 नीचे, फिर वहां से उसने राइट लिया और फिर गोस 40, और फिर उसने दोबारा राइट लेके वो मेन रोड पे आ गया। ठीक है जी, ये पूरी कहानी हो गई। और इफ एक्स एंड वाई वॉक विद सेम स्पीड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? तो इसमें ना ये बात एक मिसिंग नजर आ रही है मुझे, बात ये है कि इसमें ये बताना चाहिए था कि जो एक्स है ना उसने सिर्फ मेन रोड पे ही वॉक करा है, तो क्योंकि सेम स्पीड थी तो उसने 60 करा है तो इसने भी 60 किया होगा। तो अगर ये 40 है, ये पिछला जैसा ही सवाल है पिछला वाला, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये हो गया 100, ये है 60, टोटल था 200। सही है, इसमें एक एक छोटी सी चीज मिसिंग है, वो मिसिंग क्या है भाई, इनको ये बताना चाहिए था एक्स एंड वाई वॉक द सेम डिस्टेंस ऑन द मेन रोड, ये बात होनी चाहिए थी, सेम डिस्टेंस ऑन द मेन रोड। ये ऐसे लिखा होता तो फिर ये बात सही होती, क्योंकि अगर उसने 60 करा है तो उसने भी 60 करा है, वो बात अलग है, वाई ने वो एक्स्ट्रा वो अंदर की तरफ लेफ्ट राइट लिया। खैर तो 40 मेरा आंसर है, सी कैट। अच्छा जी सवाल है, पिक द ऑड वन आउट, मंगूस, टर्टल, स्नेक, क्रोकोडाइल। देखें जी, टर्टल, स्नेक और क्रोकोडाइल तीनों रेप्टाइल हैं, जबकि मंगूस इज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल, जमीन पे रहने वाला जानवर है, तो ये इन बाकी तीनों से अलग है ये, और ये एनिमल जो है ये कार्निवोर एनिमल कहने भी कहलाता है। अच्छा जी, पिक द ऑड वन आउट, आई, एयर, नो, नोज और थ्रोट। देखें, हमने अपने मुंह से बहुत दफा सुना होगा, हमें कहीं मार्केट में कहीं पे डॉक्टर के हॉस्पिटल में ईएनटी स्पेशलिस्ट, तो ये जो ईएनटी स्पेशलिस्ट होता है इसमें ये एयर, नोज और थ्रोट का डॉक्टर होता है, ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड होती हैं और आई इनमें लिंक नहीं होती, तो इन सब में ऑड वन आउट है आई, ए आपली। अच्छा जी, ये कोडिंग डी कोडिंग का सवाल है, फैशन स्टैंड फॉर दिस, फैशन का कोड है ECUKMQP, तो डिजीज का कोड क्या होगा, डिजीज का? अच्छा जी, ये क्या हो रहा है भाई, एफ से -1 हो रहा है, ए पे +2, एस के बाद आर एस टी यू +2, एच के बाद आई जे के +3, और आई के बाद ये होता है एच आई जे के एल एम +4, और उसके बाद होता है ओ के बाद ओ पी क्यू +2, और एन के बाद ये पीछे की तरफ जाएगा ओ पी +2, आगे की तरफ जा रहा है +2, तो ये ऑर्डर है। तो अब इसको इस तरह फॉलो कर लेते हैं, तो जिस तरह पहले -1 लिखा हुआ है तो -1 करेंगे तो सी, +2 लिखा हुआ है तो आई के बाद आता है जे के तो +2, फिर दोबारा +2 लिखा हुआ है, आर एस टी यू, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको कंटिन्यू मुझे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि देखिए सी के यू मेरा आंसर आ रहा है, सी के यू सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो जस्ट इन केस अगर मैंने ऑप्शन ही ध्यान से देख लिए तो मेरा उसी से काम इंशाल्लाह बन जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद है बियॉन्ड, बियॉन्ड का कोड है AFX PME, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, -1, +1, -1, +1, बहुत आसान सा कोड है, फैल्कन को इसी तरह कोड करेंगे, तो F-1E, A+1B, L-1, L-1, JKL, K हो जाएगा, C+1D, O से -1 MNO, तो N और फिर +1 तो O, EBKDNO, EBKDNO, बी बॉल मेरा जवाब है। सही है जी, अभी हम कोडिंग के, पिछला सवाल भी कोडिंग का था और ये वाला सवाल भी कोडिंग का है, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा पैटर्न है। सही है, ये पास पेपर्स के सवाल हैं, इसमें कुछ पुराने हैं कुछ नए हैं, तो
पूरे सीरीज में मल्टीप्लाई बाय टू हो रहा है, पूरे पैटर्न में मल्टीप्लाई बाय टू हो रहा है, तो 64 का डबल होता है 128। सी कैट मेरा आंसर। अच्छा जी, ये जंपिंग सीरीज है, जंपिंग सीरीज क्या होती है आइए ध्यान से देखिए। इसमें आप गौर से देखें तो 15 का डबल है 30, 30 का डबल है 60। तो अगर मैं एक छोड़ के एक को देखूं तो पैटर्न बन रहा है, और उसी तरह 25 का डबल है 50, 50 का डबल है 100। तो अगर मुझे 100 के बाद की वैल्यू निकालनी है तो वो 100 से नहीं आएगी, वो 60 से आएगी। 60 का डबल है 120। बी बॉल मेरा आंसर। बहुत आसान सवाल है, काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 का स्क्वायर होता है 64, इसी तरह 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ए एप्पल मेरा आंसर। एक नंबर है और उसकी ऑपोजिट साइड पे, उसकी दूसरी साइड पे हमारे पास उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सवाल है। अच्छा जी, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ देखें 2 7 14, दोनों बाहर के नंबर मल्टीप्लाई करके अंदर वाले नंबर दे रहे हैं। इसी तरह 7 9 63, तो इसी तरह 9 15 15 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 135, तो ये आ जाएगा 135। और अगर आप यहाँ भी गौर से देखें तो 15 2 होता है 30। तो बाहर के दोनों नंबर मल्टीप्लाई होके अंदर वाले स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर वैल्यू पुट हो रही है। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है 135। सी मेरा आंसर। ए इज टू द साउथ ऑफ बी, बी के साउथ में है ए। सी इज टू द ईस्ट ऑफ बी, सी जो है वो बी के ईस्ट में है, सी यहाँ पर है। इन व्हाट डायरेक्शन इज ए, ए किस डायरेक्शन में है विद रिस्पेक्ट टू सी। तो सी का अगर मैं एक्सिस बनाऊं, सी के अगर मैं सारे पोल बनाऊं, तो सी के साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में है ए। ठीक है, इन सवालों में बस ये ध्यान रखा करें कि ये पूछ किसके रिस्पेक्ट से रहा है, ये ए के बारे में पूछ रहा है। तो ए जो है वो सी के किस पैटर्न पे है, सी के किस डायरेक्शन पे है, तो नीचे है और उल्टे हाथ पे है, यानी कि साउथ वेस्ट। डी डॉग मेरा आंसर। ए इज 40 टू द साउथ वेस्ट ऑफ बी, ये बी और ए ये रहा साउथ वेस्ट 40। सी इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ बी, ये रहा सी। देन सी इज इन विच डायरेक्शन ऑफ ए, सी ए के किस डायरेक्शन में है, तो भाई सी ए के ईस्ट पर है, ईस्ट पर। ए आपल, मैंने पहले भी बताया था इसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि भाई किसके बारे में पूछा जा रहा है और वो किस चीज के डायरेक्शन से देखी जाएगी बात। अगर ये सवाल उल्टा होता, अगर यहाँ लिखा होता ए इज व्हाट डायरेक्शन ऑफ सी, तो ये तो आंसर होता वेस्ट। तो ये ध्यान से करने वाली चीज है। RTHHX इनकोड्स फॉर प्योरीफाई, यानी कि प्यूरीफाई का कोड है RTTHHX। ठीक है, इनकोड्स मतलब इन कोडिंग डिकोडिंग होता है ना, तो इसी तरह डिकोड हुआ भाई, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हमें तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि हम किस तरह लेके चलेंगे। देन द कोड फॉर ब्लांच, ब्लांच का कोड क्या होगा, तो MNOPQR यानी कि +2 -1, RST +2 -1, फिर F में FGH +2 और -1, +2 -1 +2 -1 का कोड है। तो B+2D, L-1 J K, L-1 K D K, और अब देखें D K में दो ऑप्शन आ रहे हैं, तो अभी मेरा जवाब नहीं आया। अब +2 करेंगे, A+2C DKC। अब क्योंकि DKC बोल दिया उसने तो ए गलत हो गया, क्योंकि ऊपर DKD लिखा हुआ है और नीचे DKC है, तो एक ही ऑप्शन है सी मेरा आंसर। मैं इसको कंप्लीट सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल करें, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल करें, लेकिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इफ SHELNXR स्टैंड फॉर TDS, TDS का कोड है SHELNXR, तो ग्लैमर का क्या कोड होगा, ग्लैमर का, तो RST-1, EFGH+3 +1, HIJKL+3 -1, VWX+3
RST-1, ठीक है जी, ये मैंने पूरी अपनी कोडिंग कर ली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसी तरह इस कोड को यहाँ फॉलो करेंगे। ग्लैमर, जी से -1 किया तो एफ, फिर +3, जे के एल एम एन ओ एफ ओ, सारे ऑप्शन में एफ ओ है, फिर +1, A+1 बी एफ ओ बी। अब एफ ओ बी के दो ऑप्शन है, फिर +3, एम के बाद आता है एन ओ पी, पी आ जाएगा, एफ ओ बी पी दोनों में आ रहा है। फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम तो फॉलो कर रहे हैं बस, -1 तो एन आ जाएगा, फिर +3, यू के बाद +3 करते हैं तो एक्स आता है, और फिर -1 तो पी क्यू आर, तो क्यू आ जाएगा। तो बी गलत हो गया, सी मेरा आंसर है। अच्छा, इस सवाल में इन्होंने फंसा के रखा। क्या मतलब फंसा के रखा? लास्ट अल्फाबेट सिर्फ अलग दिया है, बाकी सब सेम दिया है, तो हमें बस मजबूरन एंड तक करना पड़ा। लेकिन हमने कुछ भी नहीं करना, हमने इस कोड को, इस सीरीज को, इस पैटर्न को ठक करके अप्लाई कर देना है। अच्छा जी, फाइंड द मिसिंग नंबर। अच्छा जी, यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप गौर से देखें तो 12 + 18 होता है 30, और 30 का डबल है 60। इसी तरह 23 + 21 को ऐड करते हैं तो आता है 44, 44 का डबल है 88, तो 15 + 26 का होता है 41, 41 का डबल होता है 82, तो इस क्वेश्चन मार्क का आंसर 82। इन नंबर्स वाले सवालों में ना थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा सा मैथ लगानी पड़ती है, थोड़ा प्लस माइनस के लिए खेलना पड़ता है, तभी ये थोड़े से रिलेटिवली मुश्किल होते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर इफ द पैटर्न गिवन बिलो इज दिस। अच्छा जी, यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है 8-5, इसको आप -5 नहीं पढ़ें, इसको आप इस तरह पढ़ें कि भाई 8, इसको आप माइनस नहीं पढ़ेंगे, इसको आप -5 ही पढ़ेंगे। तो अभी तो ये नंबर शायद समझ ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप गौर से देखें कि अगर आप 8 - 5 करते हैं तो 3 आता है, और जो सेकंड नंबर है अगर वो आप एज इट इज लिखते हैं तो 35 बन जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर आप 5 माइनस करते हैं तो 4 आता है, और लास्ट नंबर आपने एज इट इज लिख दिया 45। तो इसी तरह 7 में +0 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और लास्ट नंबर अगर आप एज इट इज लिख दें 0, तो 70 आपका जवाब आ जाएगा। पिक द ऑड वन आउट, अगर आप इसमें गौर से देखें तो एम्पल, अबंडेंट और प्लेंटिफुल का तीनों का मतलब होता है ज़्यादा। तो अगर आपको कैपेशियस का मतलब ना भी पता हो, लेकिन आपको ये पता है कि एम्पल, अबंडेंट और प्लेंटिफुल का मतलब ज़्यादा, मतलब होता है ज़्यादा, ज़्यादा इन क्वांटिटी होना, तो कैपेशियस एक अलग वर्ड है, डिफरेंट वर्ड है, इस वजह से डी डॉग आपका जवाब आ जाएगा। पिक द ऑड वन आउट, फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, बॉटनी। तो भाई फिजिक्स भी साइंस का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री भी साइंस का सब्जेक्ट है, बॉटनी भी साइंस का सब्जेक्ट है, सिर्फ ज्योग्राफी वो सब्जेक्ट है जो कि साइंस से लिंक नहीं करता, इस वजह से ज्योग्राफी बी बॉल मेरा जवाब हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे तो 16 अगला सर्कल आ जाएगा, फिर इसी तरह 16 को मल्टीप्लाई पे 5 करके +1 करेंगे तो 81 आ जाएगा, फिर इसी तरह 81 को मल्टीप्लाई पे 5 किया, +1 किया तो 406, और फाइनली 406 मल्टीप्लाई बाय 5 +1 करेंगे तो 2031 आ जाएगा। बाहर वाले सर्कल को अंदर वाले सर्कल मल्टीप्लाई बाय 5 करना है और फिर +1 करना है, 2031 डी डॉग मेरा आंसर। चलिए, यहाँ क्या हो रहा है, बहुत आसान सी चीज़ है, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 20 मेरा आंसर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 90 मेरा आंसर। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 1 + 25 26 मेरा आंसर, तो बी बॉल। देर आर 4 टाउन्स PQRT, Q इज टॉप टू द साउथ वेस्ट ऑफ P, ये P है, P का साउथ वेस्ट ये हो गया, ये हो गया Q, R इज टू द ईस्ट ऑफ Q, R Q के ईस्ट पर है, एंड साउथ ईस्ट ऑफ P, तो क्योंकि साउथ ईस्ट ऑफ P है तो ये जो R भाई साहब हैं ये थोड़ा सा दूर होंगे, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना पड़ेगा,
क्योंकि वो थोड़ा आगे जाएंगे तभी वो पी के साउथ ईस्ट पर आएंगे, और टी इज टू द नॉर्थ ऑफ आर, टी नॉर्थ आर के नॉर्थ पर है और क्यू पी की लाइन पर है। अब क्यू पी की लाइन का मतलब इतना ऊपर है तभी तो लाइन बनेगी। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेप को दोबारा देखेंगे तो आइडिया होगा आपको, क्योंकि वो लाइन की वजह से उसको और ऊपर जाना पड़ा। फिर अब सवाल है, इन विच डायरेक्शन ऑफ पी, पी की किस डायरेक्शन पे टी है, तो पी की किस डायरेक्शन पे टी है, पी है नॉर्थ ईस्ट पर, टी पी के नॉर्थ ईस्ट पर है, सी मेरा आंसर। ऑफ द सेवन मेंबर्स ऑफ अ पैनल सिटिंग इन अ रो, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, फॉर एग्जाम्पल ये डी, तो ए उसके लेफ्ट पर आ गया, और बी ऑन द राइट ऑफ ई, बट ऑन द राइट ऑफ ई, ए जो है उसके तो क्या नाम है लेफ्ट पर है लेकिन ई के राइट पर है। अच्छा, अब इसमें ना हमारा लेफ्ट और किसका लेफ्ट, इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम इसको इस तरह सोचें कि डी इस तरह बैठा हुआ है, तो ए अगर उसके क्या नाम है अपना लेफ्ट पर होगा, ठीक है, तो ए यहाँ होगा। हम अपने पर्सपेक्टिव से करेंगे तो ए बिल्कुल सही बनाया था मैंने, लेकिन डी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है, तो डी के लेफ्ट पे उल्टे हाथ पे ए है, और इसी तरह ई के वो राइट पर है, तो ई इस तरफ हो गया। अच्छा, सी इज ऑन द राइट ऑफ एक्स बट ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, तो सी अगर एक्स के राइट पर है, तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एक्स यहाँ बना दूँ, रैंडमली बनाया मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ है, उसके राइट पर है, ठीक है, बट ऑन द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट पर, और इसी तरह अगर बी के लेफ्ट पर है और वो बी जो है वो एफ के लेफ्ट पर है, तो अगर मैं इस तरह मैंने अपनी डायग्राम बनाई है, तो इस तरीके के मुताबिक अगर मैं गौर से देखूं, तो सवाल है विच मेंबर इज पॉसिबली सिटिंग राइट इन द मिडल, मिडल में कौन बैठा हुआ है, तो अगर इस तरह अगर मैं देखूं तो मेरे जो मिडल में बैठा हुआ है, तो भाई अभी जो मिडल में बंदा आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है एफ। अच्छा, अब ये जो पॉसिबली है ना, पॉसिबली की बड़ी कहानी है, बड़ी गेम है। क्या मतलब, मैंने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि ये जो चार लोगों का कॉम्बिनेशन बन रहा था ये एंड में आएगा, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये इसी साइड पर आएगा। ये डायग्राम ऐसे भी तो बन सकती थी, एफ बी सी एक्स, ये ऑर्डर सेम रहेगा, सिर्फ ये दोनों डब्बों की गेम है, इन तीन के बारे में बताया गया और इन चार के बारे में बताया गया। तो अगर मैं इस तरह शिफ्ट कर लूं, तो अब इस वाली पॉसिबिलिटी के बीच में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो अगर पहला वाला केस है तो बीच में बैठा हुआ एफ, अगर दूसरा वाला केस है तो बीच में बैठा हुआ एक्स, तो अगर दोनों केस को देखें तो भाई या तो एक्स बीच में होगा या एफ बीच में होगा। तो ये सवाल था, अच्छा खासा मुश्किल सवाल था, इसको दोबारा देखिएगा। अच्छा जी, इफ 1 2 3 4 5 ये सारे नंबर्स भावल नगर को कोड करते हैं, तो नगर का कोड क्या होगा? बहुत आसान है भाई, नगर भावल नगर के आखिरी पांच नंबर्स हैं, तो आखिरी पांच नंबर्स हमारे पास क्या होंगे भाई, आखिरी पांच नंबर्स 8 से शुरू होंगे, 8 9 10 11 12, क्योंकि सिंपल उसने भावल नगर का नगर उठाया है उसने, तो 8 9 10 11 12, सी सी मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, इफ ए एन एन जे इज फॉर बुक, बुक का कोड है ए एन एन जे, तो लुक का कोड क्या होगा? अच्छा देखें, इसमें बी ए बन गया -1, फिर -1, ओ एन बन गया -1, और के माइन जे बन गया -1, तो एल से पहले आता है जे के एल, तो -1 करेंगे तो के आएगा, और ओ ओ के को आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने बुक का कॉपी है तो, लेकिन आप अगर चाहें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एन एन जे बन जाएगा, तो के एन एन जे आपका आंसर है, जो कि ए एप्पल है। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस। अच्छा जी, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है भाई, 3 का डबल है 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, तो 9 के बाद एक छोड़ के +3 करेंगे तो 12 आएगा, और इसी तरह अगर आप यहाँ देखें तो 5 प्लस 3 होता है 8, 8 प्लस 3 होगा 11, तो इस तरह मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड पैटर्न बन गया। आप चाहते तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्ट कैसे करते भाई, देखें +2 +2
1, प्लस 2 प्लस 1, तो 9 प्लस 2 11, और फिर प्लस 1 12, 11 12, ऐसे भी हो सकता था। मैथ है, मैथ बहुत खुली डुली होती है, मैथ में काफ़ी आपके पास लिबर्टी होती है चीज़ों के लिए, तो आप कर सकते थे। अच्छा जी, एक और सीरीज का सवाल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। हर नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 का डबल 48, और 48 2 48 का डबल होता है 96। बी बॉल मेरा आंसर। अच्छा जी, पिक द ऑड वन आउट, चेयर सोफा स्टूल, इन तीनों चीज़ों पे हम बैठ सकते हैं। वी कैन सिट ऑन चेयर, वी कैन सिट ऑन अ सोफा, वी कैन सिट ऑन अ स्टूल। टेबल पे हम बैठ नहीं सकते, सही है, टेबल पे हम बैठ नहीं सकते, वी कैन नॉट सिट ऑन अ टेबल। ऑब्वियसली अब वो बंदा बोले नहीं टेबल पे बैठ तो सकते हैं, वो तो बैठ तो आप डस्टबिन के ऊपर भी बैठ जाओ भाई इस तरह तो, लेकिन बैठने की चीज़ नहीं है ना वो, तो टेबल बैठने की चीज़ नहीं है। चेयर पे बैठते हैं, टेबल पे काम करते हैं, खाना खाते हैं, वॉट एवर, तो टेबल इज आर आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट, माइक्रोचिप, माइक्रोफोन, माइक्रोब, माइक्रोस्कोप। अच्छा, ये माइक्रो अलग वर्ड है, चिप अलग वर्ड है, माइक्रो अलग वर्ड है, फोन अलग वर्ड है, माइक्रो अलग वर्ड है, स्कोप अलग वर्ड है, इन तीनों में दो दो वर्ड मिलके एक वर्ड बनाए। माइक्रोब में माइक्रो और बीई, बीई कोई वर्ड नहीं होता इस वजह, इसमें और भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो पर्सपेक्टिव इसमें लगाया है वो ये लगाया है कि माइक्रोब अलग अलग वर्ड नहीं है, इस वजह से माइक्रोब इज द ऑड वन आउट। इसमें कोई और रीजनिंग भी हो सकती थी, कोई और बात भी हो सकती थी, वो डजेंट मैटर। अच्छा जी, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो 915 364 से जब आप माइनस करेंगे तो ये 1 1 कैरी, ये 8, 11 माइनस 6 होता है 5, और 8 माइनस 3 होता है 5। इन शॉर्ट, ऊपर वाले 3 डिजिट नंबर को नीचे वाले 3 डिजिट नंबर से माइनस करेंगे तो आपका आंसर प्रूव हो रहा है। यही चीज़ आप 543 और 789 से भी प्रूव कर सकते हैं। जाहिर सी बात है 789 बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर में से 543 माइनस होगा। इसी चीज़ को यहाँ अप्लाई करके देखें, 863 माइनस 241, 226, तो 622, 622 बी बॉल मेरा आंसर है। अच्छा जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से करना होगा क्योंकि इसमें थोड़ी साइंस लग रही है। देखिए भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, 15 माइनस 5 करेंगे तो भाई 15 माइनस 5 हो गया 10, 2 प्लस 6 हो गया 8, और 10 8 जा होता है 80। अब बंदा बोले यार ये क्या सीन है, ये तो मुझे समझ भी नहीं आया, और ये तो भाई तो आपने कर लिया, आप तो टीचर है, मैं तो नहीं हूँ तो मैं कैसे करूँगा। तो भाई ये तो करना तो है ना कुछ तो दिमाग लगेगा, हार्ड क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। यही लॉजिक यहाँ अप्लाई करी तो 9 माइनस 4 होता है 5, 7 प्लस 6 होता है 13, 13 5 जा होता है 65। इसी चीज़ को फॉलो करते हुए 13 माइनस 11 होता है 2, 16 प्लस 8 होता है 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48, 48 इज ए एप्पल, ए एप्पल मेरा आंसर। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है ए बी सी डी आर प्लेइंग कार्ड्स, जिसमें ए और बी पार्टनर्स हैं, डी फेसेस नॉर्थ, डी जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है, ए जो है वो वेस्ट फेस कर रहा है, और इसके बाद है, और क्योंकि ए और बी पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स हमेशा आमने सामने बैठते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है जो डी का पार्टनर होगा वो उसके उसको फेस करेगा, तो भाई साउथ में आ गया सी। अच्छा जी, पी क्यू आर एस आर प्लेइंग अ गेम ऑफ कैरम, पी आर और एस क्यू पार्टनर्स हैं, एस जो है वो राइट ऑफ आर है, हु इज फेसिंग वेस्ट, तो आर अगर वेस्ट फेस कर रहा है और एस अगर उसके सीधे हाथ पर राइट पर है तो एस यहाँ पर है, आर का सीधा हाथ यानी कि एस जो है वो नीचे साउथ की तरफ है। अब जाहिर सी बात है भाई एस अगर साउथ पर है और क्यू उसका पार्टनर है तो पार्टनर्स हमेशा ऑपोजिट एंड्स पे होते हैं, तो एस के सामने क्यू होगा और क्यू जाहिर सी बात है भाई फिर नॉर्थ पर होगा, ए एप्पल आंसर। एल सी एम एच एन रिप्रेजेंट मैंगो, मैंगो का कोड है एल सी एम एच एन, तो बाउट्स, बाउट्स का कोड क्या होगा, तो भाई एम से -1 करेंगे तो एल आता है, फिर ए ने +2, फिर एन से -1, एफ जी एच +1, एम एन ओ
-1, तो ये मेरा कोड हो गया, जो कि क्योंकि पैटर्न नहीं है, बस कोड के नंबर हैं, इनको एज इट इज अप्लाई करेंगे। तो बी से -1 किया तो ए, ओ में +2 करेंगे तो जब +2 करेंगे तो आ जाएगा क्यू, फिर -1 करेंगे तो आर एस टी यू, तो टी आ जाएगा, ए क्यू टी, ए क्यू टी एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो बी बॉल मेरा आंसर। सी बी के पी डी जी स्टैंड्स फॉर बलोच, सी बी के पी डी जी, तो ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का क्या होगा? तो भाई +1 +1 जे के एल, तो ये -1, एम एन ओ पी +1 +1 और जी एच -1, +1 +1 -1, ये ऑर्डर चल रहा है। तो ओ में +1 करेंगे तो आ जाएगा भाई पी, फिर दोबारा +1 है, आर के बाद आता है एस, तो पी और एस, आगे मुझे करने की जरूरत नहीं है, पी और एस एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो ए एप्पल मेरा आंसर हो गया। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो भाई 1 3 8 19, देखते हैं भाई क्या कहानी चल रही है। अच्छा जी, इसका मैंने फर्क देखा तो आ रहा है 2, इसका मैंने फर्क देखा तो आ रहा है 5, इसका मैंने फर्क देखा तो भाई आ रहा है 11। अच्छा जी, 2 फिर 5 फिर 11, तो अगर मैं इसी तरह इस पैटर्न को फॉलो करूं, तो अब आप गौर से देखें कि इसमें पैटर्न के अंदर पैटर्न बन रहा है, ये इससे 3 दूर है, ये इससे 6 दूर है, ठीक है। तो अब भाई 3 का डबल 6, 6 का डबल होता है 12, तो 11 प्लस 12 होता है 23, यानी कि 19 के बाद जो अगला नंबर प्लस कर कर आएगा वो 19 प्लस 23 यानी कि 42। अच्छा खासा सवाल है ये, इसमें डिफरेंस ऑफ डिफरेंस डिफरेंस लग रहा है, फिर अंदर एक और डिफरेंस लग रहा है, तो क्या होता भाई 1 3 8 19 42 था, मैंने इनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस निकाले, उन डिफरेंसेस के अंदर पैटर्न लग रहा है। अब ये सारे सवाल हमने अपने बच्चों को भाई कराए हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल ना, हाँ जरूरी नहीं है उनसे भी सारे सवाल हों, लेकिन ये अच्छे सवाल हैं सारे। अच्छा जी, 15 30 90 360 1800, तो भाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये मल्टीप्लाई बाय 4, 94 = 360, 360 मल्टीप्लाई बाय 5 1800, तो 1800 मल्टीप्लाई बाय 6, 18 6 होता है 108 और 00, तो 108 00 बी बॉल मेरा आंसर। सवाल आसान है, मैथ थोड़ी सी मुश्किल है। पिक द ऑड वन आउट, भाई काओ गोट और बफेलो, ये तीनों जो हैं वो हर्बी वोरस एनिमल हैं, हर्बी वोरस एनिमल वो होता है जो सिर्फ घास फूस खाता है, जबकि पपी कहते हैं क्या नाम है डॉग के किड को, तो पपी जो है वो कार्निवोरस एनिमल है क्योंकि वो मीट खाता है, गोश्त खाता है, तो पपी इज द ऑड वन आउट, सी कैट मेरा आंसर। पिक द ऑड वन आउट, लायन कैट गोट टाइगर, लायन कार्निवोरस एनिमल है गोश्त खाता है, कैट कार्निवोरस एनिमल है गोश्त खाती है, टाइगर कार्निवोरस एनिमल है गोश्त खाता है, गोट यानी कि बकरा या बकरी वॉट एवर, ये हर्बीवोरस है, ये सिर्फ ग्रास या वेजिटेबल या मीट नहीं खाती ना, मीट नहीं खाते, तो गोट इसमें ऑड वन आउट है, सी कैट। इन सवालों से ना घबराइएगा नहीं, ये पिक द ऑड वन के आउट आउट के सवाल थोड़े जनरल नॉलेज और फैक्चुअल बेस्ड होते हैं, तो ये अच्छे से इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ क्या कहानी चल रही है, यहाँ पर कहानी चल रही है कि भाई 6 का डबल होता है 12, मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 18, मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 30, इन शॉर्ट ये तीनों 6 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह 8 का डबल 16 और मल्टीप्लाई बाय 4 32 और मल्टीप्लाई बाय 5 है 40, तो ये मतलब इन शॉर्ट बोलना ये जा रहा है कि भाई ये जो नीचे वाला नंबर है इसके ऊपर मल्टीपल्स दिए हुए हैं, तो 36 18 और 27, ये तीनों किसके मल्टीपल्स हैं भाई, ये तीनों 9 के टेबल में आते हैं, 9 के, ऑप्शन देख के भी काफी हिंट मिल जाएगी। अच्छा इसमें ना लोग 6 से कंफ्यूज हो सकते हैं, 36 और 18 तो 6 में आता है, 27 नहीं आता, इस वजह से 9 9 मेरा आंसर है। अच्छा जी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से माइनस, या इन शॉर्ट बड़ा वाला नंबर छोटे वाले से माइनस होगा, तो 234 को जब मैंने 165 के अलग अलग नंबर से माइनस किया, 5 4 से माइनस हुआ 1 6 3 से माइनस हुआ 3 1 2 से माइनस हुआ 1, इसी तरह 3 1 से माइनस होगा तो 2,
9 से माइनस होगा तो 6, 5 7 से माइनस होगा तो 2, तो 262। ऊपर वाला नंबर हो नीचे वाला नंबर हो माइनस होंगे, अपने ऑर्डर में होंगे और बड़ा वाला छोटे से माइनस हो रहा है। इसमें 165 नहीं लेना आपने, 165 अलग अलग नंबर को नीचे 2 3 4 अलग अलग नंबर से देखना है। द टाउन ऑफ प्रांडा इज लोकेटेड ऑन द ग्रीन लेक, द टाउन ऑफ अक्रम इज वेस्ट ऑफ प्रांडा। तो भाई अगर फॉर एग्जाम्पल ये है प्रांडा, तो अक्रम जो है उसके वेस्ट पर है, लिख दिया भाई। तोखड़ा इज ईस्ट ऑफ अक्रम, तो तोखड़ा जो है वो ईस्ट ऑफ अक्रम के, अक्रम का ईस्ट यानी के सीधे हाथ पे होगा, बट वेस्ट ऑफ प्रांडा यानी के बीच में होगा। ध्यान से देखें, टोकंडा जो है वो अक्रम के तो ईस्ट पर है लेकिन प्रांडा के वेस्ट कर यानी के बीच में आएगा। काकरण इज ईस्ट ऑफ बोपड़ी बट वेस्ट ऑफ टोकंडा एंड अक्रम। तो काकरण जो है वो बोपड़ी के तो ईस्ट पर है लेकिन अक्रम और टोकंडा के वेस्ट पर है। ठीक है भाई, लिख दिया। इफ दे ऑल आर इन इन सेम डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट में, विच टाउन इज द फार्देस्ट वेस्ट। देखिए भाई, वेस्ट और ईस्ट इस तरह होता है, तो सबसे कोने के वेस्ट में कौन है भाई? सबसे कोने के वेस्ट में है बोपड़ी, बी डी डॉग मेरा आंसर। फाइव बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, अब ईस्ट पे देख रहे हैं दीपक। अच्छा, ईस्ट पे देख रहे हैं मतलब उनका मुंह जो है वो इस तरफ है, सही है जी। तो दीपक इज टू द लेफ्ट ऑफ समीर, समीर के लेफ्ट पर है दीपक, तुषार एंड शैलेंद्र। ठीक है, और सुशील जो है वो, अच्छा इसको इस तरह लिख लेते हैं कि दीपक जो है वो क्या नाम है लेफ्ट पर है। अगर सब इस तरफ दिख रहे हैं तो उनके लेफ्ट पर यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, दीपक इज टू द लेफ्ट ऑफ समीर तुषार एंड शैलेंद्र। ठीक है, और इसी तरह समीर तुषार और शिंदा के वो जो हैं वो सुशील के लेफ्ट पर हैं, सुशील को एस यू बोल देता हूँ। ठीक है, शैलेंद्र जो है वो समीर और तुषार के बीच में है, तो समीर को एस ए बोल देंगे और शैलेंद्र को एस एच बोल देंगे। अच्छा जी, तुषार जो है वो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो तुषार ये रहा और ये शैलेंद्र, ये समीर हो गया। ठीक है जी, जितनी बातें उसने बोली थी मैंने सारी लिख दी। हाउ फार इज समीर फ्रॉम द राइट, समीर राइट राइट से कितना है? तो समीर अगर मैं राइट से देखूं तो 1 2 3 4, समीर फोर्थ पर है, डी डॉग मेरा आंसर है। थोड़ा सा अच्छा सवाल था, इसको दोबारा देखिएगा। रीडिंग का कोड ये दे दिया, तो भाई रिंग का क्या होगा? रिंग पहला लेटर है, पहले लेटर का कोड 1 है, और आई जो है वो थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट है 5, और आई एन जी लास्ट के तीनों ले लें 5 6 7। बहुत आसान, सिंपल, बहुत दफा करें मैं, एप्पल मेरा आंसर। पी एक्स डब्ल्यू आर रेन का कोड है, रेन का कोड है पी एक्स डब्ल्यू आर, तो एम एन ओ क्यू आर पी क्यू आर, तो -2। ए से पीछे जाएंगे तो भाई -3, क्योंकि एक्स वाई जेड होता है। अच्छा जी, आई, आई तो बहुत दूर है, सही है जी। तो आई के लिए अब मैं अक्लमंदी ये लगाऊंगा कि आई का कोड डब्ल्यू है, मुझसे उसने पेन मांगा है, तो ए आई एन तो सेम है, ए आई एन सेम है तो एक्स डब्ल्यू आर तो आएगा, सही। और पहले लेटर में -2 हो रहा था, तो पी से अगर मैं -2 कर दूं तो एम एन ओ पी एन आ जाएगा, क्योंकि पी से 2 पीछे जाऊंगा तो 1 और 2 एन आ जाएगा, तो एन एक्स डब्ल्यू आर सी कैट। अच्छा जी, फाइंड द मिसिंग नंबर है 15 16 17, फिर +2 +2, तो 13 12, और जाहिर सी बात है अगला हो जाएगा 11, क्योंकि पैटर्न है, थोड़ा ध्यान से करना था बस, पैटर्न है। तो ए एप्पल मेरा आंसर हो जाएगा, ये सी दिया हुआ, ये ए है, ए ए हो जाएगा इसमें। अच्छा जी, 6 9 18 21 63 66, क्या हो रहा है भाई? ये हो रहा है +3, और फिर हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 2, फिर +3, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, फिर जाहिर सी बात है +3। गौर से देखें, +3 मल्टीप्लाई बाय 2, +3 मल्टीप्लाई बाय 3, +3, तो अब जाहिर सी बात है मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, क्योंकि पैटर्न है। तो 66 मल्टीप्लाई बाय 4, 264, सही है। अच्छा सवाल था ये, +3 तो फिक्स्ड है लेकिन मल्टीप्लाई जो है वो 2 3 4 से बढ़ रहा है, तो 264।
अच्छा जी, फाइंड द ऑड वन आउट, तो पैरेट, स्पैरो और आउल, ये तीनों उड़ सकते हैं, ये तीनों फ्लाई कर सकते हैं, कीवी जो है वो फ्लाई नहीं कर सकती। सी कैट मेरा आंसर। फाइंड द ऑड वन आउट, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्ट, मेल। देखिए, टेलीफोन, पोस्ट और मेल के थ्रू आप बात कर सकते हैं, अपना अपनी कॉन्वर्जेशन किसी तक पहुंचा सकते हैं, अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो मोड है एक, ये इलेक्ट्रिसिटी तो एक डिफरेंट चीज है, हटके चीज है, इसको तो समझाने की भी ज्यादा डिटेल में जरूरत ही नहीं है। ए आपल मेरा आंसर है। देखिए भाई, इसमें हमने कोशिश करी कि आपके पांचों चैप्टर के सारे सवालों के सारे कॉन्सेप्ट हम समझा सकें। देखा यही किया है भाई, जो शुरू से तैयारियां करते हैं, जो शुरू से पढ़ते हैं, उनका मामला बड़ा अच्छा रहता है, वो एंड तक पक्के हो जाते हैं। अभी हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो नस्ट में 140 145 इजीली स्कोर कर रहे हैं। सही है, तो रिकमेंडेड यही होता है जल्दी ज्वाइन करना। एंड के ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग समझते हैं इंटर के बाद तैयारियां करेंगे, तो भाई इस दफा इंटर के बाद तो फिर काम ही हो गया था। ए लेवल्स के बाद तो फिर भी थोड़ा टाइम होता है, लेकिन उसमें भी बच्चों की बड़ी जान जाती है। तो इंटर के पेपर खत्म मेरे ख्याल से 1 जुलाई को हुए हैं, तो क्या टाइम बचेगा। तो ये रिकमेंडेड है भाई कि आपने शुरू से तैयारियां करनी है, ताकि आप देखें, आपने वक्त जितना ज्यादा देना है उतना आपका फायदा होगा ना। अब एंड में क्या होता है, एंड में कोर्स भी करना है, तैयारी भी करनी है, सेल्फ प्रिपरेशन भी करनी है, फिर यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ रहे हैं, सब कुछ खिचड़ी बन जाती है। जो तो शुरू से तैयारियां करते हैं ना, उनका बड़ा फायदा होता है। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा हुआ हो, और इनशाला अल्लाह ने चाहा तो आप लोग एक्सेल करेंगे इनशाला। तो भाई, अंटिल नेक्स्ट टाइम, जजाक अल्लाह, आई होप सबको बहुत मजा आया हो। अल्लाह हाफिज़।